हाँ सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और आज आप देखेंगे कि जो हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट पे हमने तो यहां आप देखेंगे कि एक मैराथन क्लास हो सकता है, ये क्लास हमारी 1.5 से 2 घंटे चले। आज वो जो कंसेप्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट का वो मैं क्लियर करूंगा। मैं आप सबसे पहले देखेंगे कि नॉकआउट जो वर्ड है, ये जो नॉकआउट हमारा शब्द है, उस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और नॉकआउट नॉक का मतलब होता है खटखटाना, है ना, किसी को धक्का देना। बॉक्सिंग के अंदर देखा होगा नॉकआउट हो गया, वो अगर वो खिलाड़ी नीचे गिर गया और जो रेफरी है उसने काउंट कर लिया 1 to 10 तक, क्योंकि वो नॉकडाउन था, नीचे गिरा हुआ था और वो बाहर हो जाता है तो वो नॉकआउट कहलाता है। ये तो बॉक्सिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी है। जब हम टूर्नामेंट की बात करते हैं तो देखा होगा आपने टूर्नामेंट मुख्य रूप से 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं जो भारतीय शारीरिक शिक्षा के अंदर पढ़ाया जाता है। और वैसे तो कई नए नए विशेषज्ञ जो हमारे खेल से जुड़े हुए हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के और टूर्नामेंट्स का और बनाया गया। तो यहां आप देखेंगे कि नॉकआउट पहला प्रकार का टूर्नामेंट है, नॉकआउट। नंबर 2 लीग टूर्नामेंट, नंबर 3 कॉम्बिनेशन, और 4 जो होता है चैलेंज टूर्नामेंट होता है। नॉकआउट मैंने कहा नॉक का मतलब देखा दरवाजे को खुला नॉक कर दीजिए, खटखटा दीजिए और आउट कर दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए। तो इस टूर्नामेंट में क्या होता है कि जब कंपटीशन होता है और वो टीम या वो इंडिविजुअल खिलाड़ी हार जाता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट होता है ये लेस इकोनॉमिकल होता है, मतलब कम खर्चे वाला होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस नॉकआउट जो मैंने लिखा है नॉकआउट, कि इसके अंदर आपका नॉकआउट टूर्नामेंट के हमारे विशेषज्ञों ने जो प्रकार बताए हैं उसके भी कई प्रकार होंगे, बट आपको समझना है, जो आपको स्टडी करना है, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, कहीं का भी TGT हो, LT ग्रेड का एग्जाम हो, Grade 1, Grade 2, Grade 3 हो, ठीक है, PGT का एग्जाम हो, NET का एग्जाम हो, स्टेट लेक्चर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होने वाला है स्पोर्ट्स ऑफिसर का, तो सबके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं समझना पहले जरूरी है। आप देखेंगे सबसे पहला होता है हमारा नंबर 1, हम बोलते हैं इसको सिंगल नॉकआउट। अब क्या किया, इस नॉकआउट के भी कई क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं। सिंगल नॉकआउट मतलब एक बार जो हारा बाहर हो गया, सिंगल नॉकआउट। नंबर 2 डबल नॉकआउट। अब देखेंगे एक और एब्रीवेशन, एक और चलाया नया, ट्रिपल नॉकआउट। सिर्फ अभी एक ही खेल में यूज किया था, कर्लिंग, CURLING, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, वो जो गेम है कर्लिंग का, इस खेल के अंदर इसको प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 आते हम
कंसोलेशन टूर्नामेंट, ये भी हमारे नॉकआउट से ही संबंधित है कंसोलेशन। बट कंसोलेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं सांत्वना देना किसी को, कोई बहुत दुखी होता है उसको सांत्वना देते हैं, कंसोलेट करते हैं हम लोग, कंसोल करते हैं उसको हम। तो ऐसी टूर्नामेंट के अंदर कंसोलेशन, जो टीम मैच हार जाती है, जो टीम अपने पहला ही मैच हार जाती है, उसको दोबारा उनके लिए अलग से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। या क्योंकि कंसोलेशन टूर्नामेंट के भी क्या है, हमारे दो हैं प्रकार है, टाइप वन और टाइप टू। ठीक है, टाइप वन के अंदर जो पहला मैच हार गए, अपना फर्स्ट मैच टूर्नामेंट का पहला मैच ही अगर वो खेले और हार गए, तो उनके लिए कंसोलेशन टाइप वन। और कंसोलेशन टाइप टू जो होता है, उसके अंदर हर राउंड से हारी हुई टीमों को निकाला जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, एक एक चीज कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा नंबर पांच, डायगोनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। डायगोनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट एग्जैक्ट फर्स्ट थ्री पोजीशन निकालनी हो तो हम डायगोनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। नंबर छह, म्यूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड, ये इस डायगोनल वाइल्ड का एडवांस रूप है। म्यूलर और एंडरसन, बीच में डैश लगता है, म्यूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये हमने छह प्रकार बताए, और ये मैंने इससे हम इस पर इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। किसके ऊपर? ये जो हमारा ट्रिपल नॉकआउट टूर्नामेंट है, जो कि कर्लिंग वाले खेल के अंदर यूज होता है, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अब नॉकआउट टूर्नामेंट अगर आपके समझ में आ गया, सिंगल नॉकआउट, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अब देखेंगे, पहले तो हम इस जो नॉकआउट टूर्नामेंट लिखा गया है, ये इस नॉकआउट टूर्नामेंट को कई नामों से जाना जाता है। कई नामों से क्या जाना जाता है समझना है आपको। देखेंगे आप इधर नॉकआउट को हम बोलते हैं हम एलिमिनेशन, बस सिंगल नॉकआउट है तो सिंगल एलिमिनेशन, सडन डेथ टूर्नामेंट, उसके बाद फिर एक देखेंगे आप, कई वर्ड निकलते हैं। अब कई लोगों ने क्या बोला गया, इसको कप टूर्नामेंट का भी नाम दे दिया। भाई कप तो वैसे हर जगह मिलता है, कप टूर्नामेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट। अब ये ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट, क्योंकि जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं, मगर अब ओलंपिक के अंदर कई खेलों के अंदर चेंज आया है, उसमें लीग भी यूज किया गया है। तो ओलंपिक सिस्टम जो हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट को, अगर हम एग्जैक्ट ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट बोलेंगे, तो ये यहां पर जो लीग है, लीग को भी हम यहां रखते हैं, लीग टूर्नामेंट को भी ओलंपिक सिस्टम में काउंट किया। पहले क्या था, सिर्फ नॉकआउट होता था। अब जब एडवांस होते चला गया स्पोर्ट्स ओलंपिक के अंदर, तो इस ओलंपिक सिस्टम के अंदर हमारा क्या है, लीग भी आने लगी है, लीग। तो कहने का मतलब क्या, टूर्नामेंट का प्रकार कैसा है, ओलंपिक में टूर्नामेंट किस प्रकार से खेला जाता है, ठीक है। अब यहां समझना है, आगे हम चलते हैं। तो ये हमने कई नाम हमने बताए, अब हम पहले सबसे पहले सिंगल नॉकआउट के ऊपर चलते हैं, उसको समझना है आपको। सिंगल नॉकआउट, इसकी मेन बारीकियां समझनी है,
क्योंकि मैं टिप्स ऑन नॉकआउट टूर्नामेंट बताया मैंने, ठीक है। यहां देखना है आपको कि यहां देखना है कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट का हमारे जो टिप्स मैं बता रहा हूं आपको मैं, कि उसके अंदर किस प्रकार से आपको जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो समझना होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आप बहुत घुमा के देंगे, उसी को कोई बच्चा जवाब दे पाएगा जिसको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखना इसको, हम सिंगल नॉकआउट पे चलते हैं, हम लोग सिंगल नॉकआउट, पहले हम सिंगल नॉकआउट को कवर करते हैं। हमेशा याद रखना, जो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट होता है या नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अच्छा माइक हट गया मेरे, सॉरी, हाँ आवाज आ रही होगी क्लियर अब, ठीक है। तो सिंगल नॉकआउट के अंदर सबसे पहले जब भी क्वेश्चन होता मिलता है तो उसके अंदर टीम्स की संख्या देखी जाती है, टीमों की संख्या। तो हम टीम की नंबर ऑफ टीम्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ टीम्स है ये हमेशा आनी किस में चाहिए, इस नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए पावर ऑफ टू में आनी चाहिए। पावर ऑफ टू का मतलब क्या हो गया, या तो टीम दो हो या चार हो या आठ हो या 16 हो या 32 हो, 64 हो, 128 हो, 254 हो, इस तरीके से चलेगा 256। ये क्या है, टू की पावर, इसका मतलब ये क्या, टू क्या लिखा हुआ है, टू की पावर वन इक्वल टू टू हो गया, टू की पावर टू है तो फोर हो गया, टू की पावर थ्री है तो एट हो गया, टू की पावर फोर हो गया तो 16 हो गया, ठीक है, समझते चलना है। टू की पावर फाइव हो गया तो 32, टू की पावर सिक्स तो 64, टू की पावर सेवन तो 128 और टू की पावर एट हो गई तो हमारी 256 हो गया। यह समझना बहुत जरूरी है कि टीमों की संख्या पावर ऑफ टू में होनी चाहिए। अगर पावर ऑफ टू में नहीं है तो समझ लेना कि वो परफेक्ट मैच नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों, इसी को कहते हैं पावर ऑफ टू में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ टू, फैक्टोरियल ऑफ टू, फैक्टोरियल ऑफ टू का मतलब टू इंटू टू इंटू टू, इस तरीके से होता है, ये फैक्टोरियल ऑफ टू कहलाता है, मतलब मल्टीपल ऑफ टू, टू इंटू टू इंटू टू इंटू, इस तरीके से चलता है, पावर टू की चलेगी हम। ये जानना बहुत जरूरी है, अगर नंबर ऑफ टीम टू की पावर में नहीं होती। अब देखो यहां पर समझना है, सपोज मैंने कहा टीम एन जो है वो 13 है, इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि यार टू की पावर में टीम नहीं है, हमें टू की पावर में लाना पड़ेगा। पर टू की पावर में लाने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि 13 है तो 13 का मतलब यहां पर आ रही है, 16 होनी चाहिए थी टीम, इसका मतलब 13 के अंदर प्लस 3 करेंगे तभी 16 होगी, प्लस थ्री करेंगे तभी हमारा 16 होगा, ये समझना है आपको। तो हम क्या करते हैं, तीन कम हो गई पावर ऑफ टू के अंदर, इसलिए तीन हमने देखा यहां पर। यही तीन को हमारे विशेषज्ञों ने क्या बोला, इसको एक नाम दे दिया कि इस तीन को हम बाई बोलेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाई क्यों दी जाती है,
बाई टीमों की संख्या को पावर ऑफ टू में रखने के लिए दी जाती है। अगर पावर ऑफ टू में टीम नहीं है तो फिक्सर बनने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ टू कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमको टू की पावर में ही टीम रखनी होती है। अगर ये होती टू होती फोर होती एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी टू फिफ्टी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, बड़े आराम से, क्योंकि ये फैक्टोरियल ऑफ टू में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, अगर टीम की संख्या पावर ऑफ टू में नहीं है तो उतनी टीम, जैसे इसके अंदर 13 था हमने प्लस 3 किया, इसको बाई का नाम देके हमने यहां इस नॉकआउट टूर्नामेंट में उसको रखा, जिसको हम बाईस कहते हैं। राइट, आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं आगे से हट जाता हूं, आगे चलते हैं। इतना पॉइंट बड़ा, आगे आगे चलते हैं। अब देखेंगे आप, तो अब मेरे को बोला कि भाई एन कितनी है, बोला 19, इसका मतलब पावर ऑफ टू में नहीं है। भाई पावर ऑफ टू में नहीं है तो कितनी टीम होनी चाहिए भाई? या तो पावर टू क्या होता है, दो होगा, या चार, या आठ, या 16, या 32। इसका मतलब 19 ना होके 32 होनी चाहिए थी। 16 को तो क्रॉस कर गई है ये, तो भाई कितनी टीम की कमी पड़ रही है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, 32 में से 19 घटाएंगे हम, तो क्या होगा, ये 13 आ गया। इसका मतलब 22, नंबर ऑफ 22 जो हो गई कितनी हो गई, 13 हो गई। अब नंबर ऑफ 22 निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, उसका एक छोटा रूप कि तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 22 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन। अब देखेंगे नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या था भाई, ये चलता गया चलता गया, नेक्स्ट पावर टू 32 है, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट पावर टू 32, एन कितना है 19 इक्वल टू 13। ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ 22 का है, नंबर ऑफ 22। इसलिए पहले हम जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे टीम की संख्या कितनी है, क्या टू की पावर में है या नहीं, नहीं है तो हम जोड़ेंगे उसके अंदर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट समझना है आपको। ठीक है, ये आपको दिख गया कि भाई बाई ऐसे दी जाती है, पहला चीज कि बाई दी जाएगी टू की पावर में नहीं थी, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल पर सिद्धांत है, फैक्टोरियल ऑफ टू के ऊपर है। अब आगे देखते हैं, अब समझना है यहां पर आपको। अब क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। सपोज क्वेश्चन आया कि भाई एन इक्वल टू 14, 14 है एन, 14 टीमें, ये पावर ऑफ टू में नहीं है, इसका मतलब पावर टू के अंदर दो टीम की कमी हो रही है ना, नंबर वन चीज। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम गिनती लिख देते हैं। हमने लिखा 1, ये देखिए, ये जो गिनती लिखते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं गिनती क्यों लिख रहे हैं, कायदे में यहां पर टीमों के नाम लिखे जाते हैं, जब फिक्सर तैयार किया जाता है टीम के नाम लिखे जाते हैं, बट समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डमी पहले बनाते हैं कि जिससे कि समझ में आ जाए, 14 टीम्स हैं उनके नाम होते हैं यहां पर, बट हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डिजिट यहां लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लगभग अगर 16 तक टीमें हैं तो आप इस फिक्सर को दो हाफ में बनाइए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है,
ये हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर 20 टीम है तब भी दो हफ्ते बना के बनाते हैं फिक्स्चर। बट क्या होता है, हम टूर्नामेंट क्यों ऑर्गेनाइज कराते हैं जानने की जरूरत है। बस क्यों कराते हैं, देखा होगा आईपीएल मैच चल रहा है, क्यों? एंटरटेनमेंट के लिए। जो एक समाज है वो उसका मनोरंजन कैसे किया जाए, ठीक है, मनोरंजन अधिक से अधिक कैसे किया जाए। अब देखा होगा सब लोग जो क्रिकेट की तरफ ही भागते हैं, क्यों? क्रिकेट में अधिक मनोरंजन है। क्रिकेट खेल की गलती नहीं है इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर एंटरटेनमेंट बहुत अधिक है। क्योंकि कौन सा अच्छा खेल माना जाता है जिसके अंदर सस्पेंस सबसे अधिक हो। आप पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है? जिसमें सस्पेंस होता है, राइट? क्यों? सस्पेंस है, बहुत मजा आ गया। बाहर आते पिक्चर हॉल से बाहर आके लोग बोलते मजा आ गया, सस्पेंस था इसके। जिसमें सस्पेंस नहीं होता उसमें मजा नहीं आता। क्रिकेट में क्या होता है, सपोज मैं 2020 की बात करता हूं, मैं 20 ओवर हैं, एक टीम को कितने गेंद खेलनी पड़ती है, 20 × 6 120 बॉल्स खेलनी पड़ती है। हर गेंद, प्रत्येक गेंद के पीछे सस्पेंस है। बॉलर ने बॉल डाली उसके बाद सस्पेंस क्या क्या है, देखिए कितने सारे सस्पेंस जुड़े हुए हैं। या तो 11 प्रकार के आउट होते हैं, 11 प्रकार के आउट में से कोई आउट हो सकता है वो, ठीक है। नंबर दो, जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है नो बॉल फेंक सकता है, वाइड बॉल फेंक सकता है, बाउंस कर सकता है, ठीक है। बॉल शॉर्ट पिच पड़ सकती है, शॉर्ट बॉल हो सकती है, ठीक है। एक रन हो सकते हैं, दो रन, तीन, चार, पांच, छह रन हो सकते हैं, और भी अधिक रन हो सकते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद रनआउट हो सकता है, मैंने पता मतलब इतने सारे सस्पेंस बने हुए हैं। तो सेम टूर्नामेंट को भी इसी प्रकार से कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि रोमांच अधिक बना रहे, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा होते रहे, क्योंकि लोग मनोरंजन के लिए खेल देखने आ रहे हैं। अब उसी लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर टीमों की संख्या ज्यादा है तो हम दो हाफ नहीं बांटते, टीम को दो भागों में नहीं बांटते, चार में बांट देंगे। पता पड़ा टीम कितनी, 120 टीमें आ गई, 120 टीम, तो दो हाफ में मजा नहीं आएगा। बोले इसके 8 ग्रुप बना दीजिए, 16 ग्रुप बना दीजिए। मैं यहां पर आपको हाफ और क्वार्टर मतलब 4 ग्रुप के बना के समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, समझना है। ये 14 टीम है, इसको दो हाफ बनाए जाते हैं। जब दो हाफ बनाते हैं, ठीक है, हाफ, हाफ का मतलब आधा है ना, दो भागों में बांटना, आधा आधा, ठीक है, अपर हाफ, ऊपर का हाफ और लोअर हाफ। अब जब 14 टीमें हैं तो ऊपर 7 आएंगी, नीचे 7 आएंगी, क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है। 14 क्या है, इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, ये सम है ये। और अगर ऑड होता, सपोज मैं कहता यहां पर n 13 होता तो ये क्या होता, ऑड होता, विषम होता, विषम संख्या होती। जब यहां पर 14 है तो हमेशा अपर हाफ के अंदर अगर n इवन है, सम संख्या है, तो क्या होता है, n बाई टू और n बाई टू कर देते हैं, दो बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब 7 टीम, ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया। वहीं अगर ये 13 टीम होती तो क्या करते हम, 13 टीम होती तो भाई ऐसा तो नहीं कि 13 को n बाई टू करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 और 6.5, क्या टीम को हम आधा काटेंगे क्या? नहीं, यहां पर तो ये होगा भाई एक तरफ 7 टीम चली जाएगी, ये ना होते हुए तो क्या करता, एक तरफ 7 टीम चली जाएगी, एक तरफ 6 चली जाएगी, या एक तरफ 6 जाएगी, एक तरफ 7 जाएगी। ये देखिए, या तो एक हाफ में 6 टीम आएंगी ऊपर वाले में, नीचे में 7, या 7 आएंगी या 6 आएंगी। बट इस टूर्नामेंट का नियम क्या कहता है कि अपर हाफ में एक टीम अधिक रखी जाएगी। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब फिक्स्चर बनाते दो हाफ का और टीमों की संख्या अगर विषम है तो हम ऊपर 1 एक अधिक क्यों रखते हैं? बोले सर ये रूल है,
ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दो चीज होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, याद रखना। रूल्स तो पता है, जैसे क्रिकेट के अंदर 42 रूल्स हैं, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। रेगुलेशन होता है, हर टूर्नामेंट जहां ऑर्गेनाइज करते हैं उसको कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अब रूल्स, तो यहां पर क्या है कि इसको क्या बोला है, नहीं अपर हाफ में एक ज्यादा टीम होगी अगर क्या है ऑड संख्या है। तो कहने का मतलब ऊपर वाले हाफ के अंदर n प्लस 1 अपॉन 2 होता है और लोअर हाफ के अंदर n माइनस 1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। वो भाई कैसे हुआ, यहां देखते हैं हम n कितनी थी, 13, हमने 13 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 13। तो भाई n प्लस 1 कितना हो गया, 13 प्लस 1 अपॉन 2 और नीचे 13 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 आ गया और यहां 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। कभी मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अपर हाफ में एक टीम ज्यादा ही क्यों रखते हैं, इट्स अ रूल। जब भी हम फिक्सर बनाते हैं उसमें रूल है, हम ऊपर 6 रख के भी बना सकते हैं फिक्सर, बट एक रूल है। जैसे बोलते हैं ना रोड पे चलते हैं तो बोला बाएं हाथ लेफ्ट हैंड साइड पे ही चलना है, नियम बना हुआ है, सेम ऐसे ही इसके अंदर। आगे देखते हैं हम तो मैं समझ में आ गया, सम संख्या है तो क्या होगा, विषम है तो क्या होगा। आगे चलते हैं हम, अब आपने देखा ये सम संख्या थी तो हमने ऊपर 7 और नीचे 7 टीम आ गई। अब हमने 14 के अंदर हमने नंबर दो क्या किया, नंबर सेकंड टू नंबर ऑफ बाईस, नंबर ऑफ बाईस टोटल कितनी होगी, नंबर ऑफ बाईस नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन, नेक्स्ट पावर टू क्या होगा यहां देखेंगे, नेक्स्ट पावर टू 16 आएगा माइनस एन कितनी है 14 टीम है इक्वल टू 2 आ गया। नंबर ऑफ बाईस भी 2 आ गई, जब 2 बाई आ गई तो भाई दोनों हाफ कहेंगे कि मेरे को चाहिए, मेरे को, सबको बराबर बांटना है अपन, राइट। जब बाई यहां पर 2 है तो नंबर ऑफ बाईस इन अपर हाफ और नंबर ऑफ बाईस इन लोअर हाफ, अपर हाफ में के अंदर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ बाईस हैं एन बाईस है, नंबर ऑफ बाईस माइनस 1 अपॉन 2 करते हैं। ये कब बात कर रहा हूं, माइनस 1 अपॉन 2 कब आएगा, जब बाई की संख्या विषम हो, सम हो तो क्या होगा, सीधे नंबर ऑफ बाईस अपॉन 2, इसके अंदर भी नंबर ऑफ बाईस अपॉन 2 क्योंकि 2 है, 2 है तो क्या होगा, आप यहां देखेंगे 2 है तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ बाईस कितनी 2 थी, 2 से 2 को भाग दिया आ गया यहां पर 1, इधर भी, कहने का मतलब ऊपर के हाफ में 1 और नीचे के हाफ में 1 टीम जाएगी बाई की, क्लियर हो गया। अगर यही विषम संख्या होती, सपोज हमने 13 का एग्जांपल लिया था कि अगर n 13 है तो बाई कितनी होंगी, 3, 16 माइनस 13 इक्वल टू 3, 3 आई। अब 3 तो बटेगी नहीं बराबर आधे आधे में ऊपर और नीचे, तो वहां पर फॉर्मूला अपर हाफ के लिए क्या होता है, यहां ध्यान रखना है, अपर हाफ के लिए ये UH का मतलब अपर हाफ, ये लोअर हाफ, अपर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाईस प्लस ना होके माइनस 1 अपॉन 2 होगा, कब, जब विषम संख्या में 22 आई हैं, ठीक है, और नीचे आएगा n 22 प्लस 1 अपॉन 2। अब ध्यान देना है या समझना है, मैं इसकी बात कर रहा हूं सीधे कि ये जो फॉर्मूला लगा ये और ये वाला फॉर्मूला, ऊपर माइनस 1 अपॉन 2 क्यों लिया गया,
क्योंकि एक क्रम है, जब तीनों की संख्या विषम है और ऊपर हमने जब दो हाफ बनाए थे ऊपर एक टीम अधिक रख दी गई थी, तो उसको बैलेंस्ड करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर माइनस वन अपॉन टू करते हैं। यहां समझना है फिर से आपको, यहां समझने की जरूरत है, ठीक है। कई बच्चे बहुत नए होंगे, उनको शायद ना समझ में आ रहा हो, वैसे प्रयास अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहां देखने की जरूरत है, नंबर ऑफ बाईज माइनस वन अपॉन टू इसलिए किया गया है कि जिससे कि अपर हाफ के अंदर जो टीमें हैं वो टू की पावर में आ जाए। याद रखना, अभी यहां पर सेवन है ना, टू की पावर में लाने के लिए क्या चाहिए, इसके अंदर एक टीम जोड़नी है हमें। यहां कितनी है, सेवन है, इसमें एक टीम और आएगी तभी ये टू की पावर में आएगी। ये तो तब की बात हुई जब 14 टीम थी, 13 होगी तो क्या होगा, ऊपर कितनी होगी, 7 टीम होगी, नीचे क्या होगी, 6 होगी, राइट। ऊपर 7 और 6, मैं वो भी लिख देता हूं, यहां देखना है आपको। सपोज 13 टीम है, ये देखिए गिनती लिखी 13 की मैंने, समझना है, ये सभी चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 13 टीम लिख दी मैंने, 1 2 3 4, ये समझा रहा हूं, एक प्रूव कर रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं। यहां पर 13 टीम कर दी तो मैंने अपर हाफ में कितनी टीम आएगी, n प्लस 1 अपॉन 2, ऊपर कितनी आएंगी, 7 टीम आएगी और नीचे कितनी आएंगी, 6। ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ, 22 कितनी होंगी इसके अंदर, मैंने अभी निकाल के दिखाया, 3 बाई है। अपर वाले हाफ में कितनी आएगी, नंबर ऑफ बाईज माइनस 1, मतलब 3 है तो क्या होगा, 3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, नीचे क्या होगा, 3 प्लस 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब नीचे आप देखेंगे, नीचे क्या हुआ, नीचे 2 बाई आएंगी और ऊपर 1 बाई आएगी, जब 13 वाला केस है। ये क्यों किया हमने, आप देखेंगे ये कितनी टीम है, 6 है, पावर ऑफ 2 में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 टीम जुड़ेगी, इसलिए 2 बाई दी गई यहां पर। ऊपर कितने 7 है तो 1 बाई दी, 8 हो गई, ऊपर भी 2 की पावर में लाना है। यहां खेल सिर्फ 2 की पावर का है, पावर ऑफ 2, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 2 चलता है हर जगह, क्लियर हो गया। अब देखना है आपको यहां पर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है, कमेंट करने की जरूरत है आपको, ठीक है, देखते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आया, हम ऐसा क्यों करते हैं, ये नंबर ऑफ बाईज माइनस वन अपॉन टू क्यों किया गया, क्योंकि ये उसका एक चैन है, क्योंकि जब हमने टीमों की संख्या ऊपर प्लस वन करके रखी थी तो यहां पर 22 के अंदर माइनस वन अपॉन टू किया जाता है, जिससे कि पावर ऑफ टू में अपर हाफ आ जाए, लोअर हाफ भी पावर ऑफ टू में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मैं दोनों एग्जाम्पल दूंगा फिर मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा, समझने की जरूरत है आपको। तो मैंने क्या किया, ये 13 वाला चीज हटा दिया, देखना आपको, भाई 14 टीमें थी तो मैंने क्या बताया था, ऊपर 1 नीचे 1, मैं एक तरफ 13 टीम का भी फिक्सर बना के रख देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3, इधर ऊपर हमने क्या दी, प्लस 1 और नीचे प्लस 2, ये बाई दी हमने, है ना, बाई निकालने का तरीका समझ में आ गया, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस 1, राइट। अब देखेंगे, ऊपर 1 बाई नीचे 1 बाई, यहां ऊपर 1 बाई यहां पर नीचे 2 बाई, अब बाई को रखते कैसे है, इसका भी रूल है, इसका भी रूल बना हुआ है। कैसे है कि हम पहली जो बाई देंगे, नंबर 1 बाई, वो सबसे नीचे वाली टीम को दी जाती है, इसको फर्स्ट बाई दी जाएगी, इसको सेकंड बाई दी जाएगी,
और आपने देख लिया दो बाई थी, यहां पर देखेंगे नीचे यहां पर तीन बाई है, ये फर्स्ट बाई है, ये सेकंड बाई है, और ये नीचे जो थर्ड वाली बाई है ये कहां जाएगी, वो इधर जाएगी थर्ड बाई। अब यहां पर क्वेश्चन बनता क्वेश्चन मार्क कि भाई ये आपने ऐसा क्यों किया, सबसे नीचे और सबसे ऊपर क्यों दिया, यहां पर सबसे नीचे सबसे ऊपर फिर यहां दिया, अगर चौथी बाई होती तो फोर्थ बाई भी यहां आती सेवन नंबर पे, ऐसा क्यों किया गया बता दे रहे, समझना है, क्योंकि जो बाई होता है बाई की वरीयता किसको दी जाती है, सीडिंग वाली टीम को दी जाती है, मैंने लिखा एक वर्ड सीडिंग, सीडिंग वाली टीम को बाई की वरीयता दी जाती है। सीडिंग का मतलब अगर ढंग से देखें, सीड का मतलब बीज, सीडिंग का मतलब बीज को बोना, राइट। अब यहां पर बीज को बोने से मतलब क्या, टीम को रखना, राइट। अब मैंने कहा कि मुंबई 11 नंबर वन की टीम है, ऐसी टीम है सबको हराएगी, नंबर वन टीम, सबसे मजबूत टीम है, तो हम क्या करेंगे, मुंबई की टीम को हम यहां रखेंगे 14 नंबर पे, हम मुंबई रखेंगे, क्योंकि बाई का मतलब क्या, वो टीम उस राउंड में ना खेल के अगले राउंड में खेलेगी सीधे, तो फायदा किसको दोगे आप, फायदा तो उसी टीम को दोगे जो बहुत अच्छी टीम है, जिस टीम में दम नहीं है उसको बाई देने से फायदा ही नहीं है। दूसरी बाई हमने बोला दिल्ली की टीम या चेन्नई 11 नंबर टू पे है, तो हमने क्या किया, चेन्नई, ये देखिए, ये जो मैं टीम को रख रहा हूं मैं, ये दूर दूर क्यों रख रहा हूं मैं, कि मुंबई और चेन्नई पास पास ना आ जाए फिक्चर के अंदर, नहीं तो रोमांच ही खत्म हो जाएगा, लोग गड़बड़ी करते हैं। आपने देखा होगा किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट होता है, इंटर कॉलेजिएट होता है या इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है गड़बड़ी करने के लिए क्या करता है, दो अच्छी टीमों को एक ही हाफ में रख देता है, चेन्नई को यहां इसके बगल में रख, 13 नंबर पे रख दूंगा तो क्या होगा, एक अच्छी टीम बाहर हो जाएगी, टूर्नामेंट का रोमांच ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फाइनल तक मजा ही नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि यार वो पहला मैच ही उससे फंस गया जो कि टीम फाइनल खेल सकती थी, तो इसका मतलब क्या, गड़बड़ी करी गई है उसके अंदर, वो गड़बड़ी ना हो, जो ऑर्गेनाइजर है जो आयोजन कर रहा है वो गड़बड़ी ना करे, इसके लिए सीडिंग निकाली गई है, टूर्नामेंट के रोमांच को बनाए रखने के लिए टीम को इस तरीके से फिक्चर में रखा जाता है कि वो प्राथमिक या प्रारंभिक राउंड्स के अंदर वो आपस में ना भिड़ जाए, क्योंकि टूर्नामेंट का रोमांच खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, एक यहां रखी, एक टीम यहां रखी, नंबर वन नंबर टू टीम, भाई थर्ड नंबर की टीम भी है हमारे पास। हमने बोला कौन सी थर्ड नंबर की टीम है, बोला दिल्ली की टीम है, तो हमने थर्ड नंबर की टीम कहां आएगी, यहां पर आएगी दिल्ली। भाई ऐसा क्यों, अगर बाई दी जाती तो यहां पर बाई आती, बट यहां बाई आ नहीं रही है, यहां तो सीडिंग की बात कर रहा हूं मैं, टीम का प्लेसमेंट कर रहा हूं, ठीक है। और ये सातवें नंबर पे मैंने क्या कोलकाता रख दिया। अब देखिए टीम दूर दूर है, टूर्नामेंट का रोमांच बना रहेगा, अदरवाइज क्या होता है, एक अच्छी टीम पहले बाहर हो जाती, हम तो चाहते दो अच्छी टीमें हैं वो जाके फाइनल में आके भिड़े, मजा आ जाएगा टूर्नामेंट को देखने में, इसलिए हम सीडिंग देते हैं, ठीक है। कई बच्चों को यहां कंफ्यूजन है, सीडिंग का मतलब उस टीम को डायरेक्ट अगले राउंड पहुंचा देना, उसको सीडिंग नहीं बोलते, उसको सीडिंग का अगला रूप सुपर सीडिंग बोलते हैं या स्पेशल सीडिंग बोला जाता है, समझना है आप। तो आप देखेंगे हमने क्या किया, टीमों ऐसे रख दिया, ये मतलब एक नंबर पे टीम का नाम आया चेन्नई, 14 नंबर पे मुंबई था, 8 नंबर पे दिल्ली थी, 7 नंबर पे कोलकाता थी, ठीक है। बाई कितनी थी, इसमें दो ही बाई थी, एक बाई यहां पर एक बाई है, क्योंकि बाई की वरीयता किसको देंगे आप, नंबर वन टीम को। सपोज पता पड़ा कि टीम 15 टीम्स आई हैं, तो बाई कितनी मिलेंगी, एक मिलेगी, किसको बाई दोगे,
बाई का प्रेफरेंस किसको दोगे, बाई की वरीयता किसको दोगे, जो सबसे अच्छी टीम है। ठीक है, सपोज एक बाई होती तो यहां पर मुंबई को मिलती वो बाई। क्लियर हो गया। अब इसको हम फिक्स्चर बनाएंगे। बाई का मतलब क्या हो गया, वो उस राउंड में मैच नहीं खेलेगी। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ टू में रखने के लिए बाई दी गई है। कहने का मतलब 16 टीम होती तो फिक्स्चर बहुत बढ़िया बन जाता, तब किसी को बाई नहीं मिलती। अब यहां देखते हैं हम, यहां भी देखिए आप कि यहां पर क्या हुआ, तीन बाई मिली हमने यहां बनाया। भाई यहां पर कौन सी, मुंबई, ये चेन्नई और यहां पर दिल्ली और ये हमारी कोलकाता। तो आपको ये साफ क्लियर हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि जिस टीम को सीडिंग दी जाए उसको बाई ही मिलेगी ना। हाँ, ये है कि बाई की वरीयता सीडेड टीम को दी जाएगी। अब देखिए ना, यहां पर चार टीम को सीडिंग दी, मगर बाई किसको मिली, तीन टीमों को ही मिली है। इसको बाई नहीं मिली कोलकाता टीम को। यहां पर चार टीम थी, सिर्फ दो को ही बाई मिली। समझ में आ गया। अब यहां समझना है, अब फिक्स्चर कैसे बनेगा इसका समझ लेने की जरूरत है। यहां पर हमारी चेन्नई टीम थी, तो मैं ये नाम अभी हटा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए, है ना। मैं छोटा सा नाम लिख देता हूं यहां पर, ये मुंबई थी, ये आपकी चेन्नई थी, ये दिल्ली थी, ये कोलकाता थी। अब हमारा फिक्स्चर बनना स्टार्ट होता है। फिक्स्चर देखते हैं हम, देखेंगे बाई का है तो इसका मतलब पहले राउंड वो नहीं खेलेगी और ऊपर से चला जाता है। हमेशा याद रखना, फिक्स्चर जब भी बनाएंगे आप ऊपर से क्रम बनाएंगे, ऊपर से ब्रैकेट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखेंगे, दो का मैच तीन से, चार का मैच पांच से, छह का मैच सात से, आठ का मैच नौ से, दस का ग्यारह से, बारह का तेरह से। देखो सबके क्या होगा, दो दो के पेयर बन गए। अगर हम ऊपर से लेते तो पेयर नहीं बनते, क्योंकि हमें तो टू की पावर में लानी टीमों को। अब देखते हैं हम आगे, अब देखेंगे, अब अगला मैच ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो ये इसका मैच, इसका इसका मैच, इसका इसका मैच और इसका इसका मैच। ठीक है, ऐसे ही साइड आते 13 नंबर की टीमों को देखते हैं हम। हमने ये नाम लिख देता हूं मैं, ये मुंबई थी, ये चेन्नई थी, ये दिल्ली थी, ये कोलकाता थी। ये सीडिंग रखी गई है, टीमों को यहां लिखा गया है। अब हमने फिक्स्चर बनाना स्टार्ट किया। अब देखेंगे यहां पर ऊपर से स्टार्ट किया, बाई वाली टीम को पहले राउंड में छूट, नहीं खेलेगी मैच, अगले राउंड में खेलेगी बाई। ठीक है, अब हम ऊपर से फिर स्टार्ट किया हमने, ये हमारा फिक्स्चर बन गया। यहां क्या होगी, टीम विनर, ये जो टीम होगी विनर होगी। अब यहां पर क्या देखा जाता है, यहां देखने की जरूरत है। मैंने कहा दो हाफ में फिक्स्चर बनाया, ये जो सेवन टीम थी इसको पावर ऑफ टू में लाना है, तो भाई एक टीम आई तभी तो एक को बाई दिया गया यहां पर, क्योंकि हाफ को भी पावर ऑफ टू में रखना पड़ता है। इसलिए हम बाईस के फॉर्मूले बाई माइनस वन अपॉन टू लेते हैं हम। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं हम। हाँ, एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाई एंड सीडिंग, बाई और सीडिंग में क्या डिफरेंस है। बाई क्यों दी जाती है, टीमों को पावर ऑफ टू में रखने के लिए दिया जाता है। सीडिंग क्यों दी जाती है, टूर्नामेंट के रोमांच को बनाए रखने के लिए, कि जो अच्छी टीमें होती हैं उनको प्रारंभिक राउंड्स के अंदर वो टीम आपस में ना भिड़ जाए, उनको फिक्स्चर में रखना सीडिंग कहलाता है। देखो यहां इसको बाई तो नहीं मिली थी, हमने कोलकाता को कोई बाई नहीं दिया, हमें रख दिया है। याद रखना है, सीडिंग जो होती है, सीडिंग जो होती है वो हमेशा टू की पावर में दी जाएगी। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, सीडिंग हमेशा या तो दो टीम को मिलेगी या चार को मिलेगी
या 8 को मिलेगी या 16 को या 32 को, ऐसे चलेगा सीडिंग का भी क्रम। ये नहीं कि एक टीम को सीडिंग दे दिया आपने, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना इसको। इसलिए 4 टीमों को सीडिंग दे रहा हूं मैं, ये 4 नाम रख रखे मैंने देखो यहां पर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे यहां पर 4 को रखा, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, 4 टीमें रखी है। तो ये क्लियर हो गया बाई और सीडिंग में डिफरेंस समझ में आ गया। बाई तो सिर्फ टीमों को 2 की पावर में रखने के लिए हम बाई देते हैं, सीडिंग अच्छी टीमों को आपस में पहले राउंड में ना भिड़ जाएं, उनको इस तरीके से हम रखते हैं फिक्चर के अंदर, उसको सीडिंग कहते हैं। अब अगला पॉइंट, ये तो समझ में आ गया हाफ क्या होता है, बाई क्या होती है, सीडिंग क्या होती है, किस तरीके से हम चलते हैं, राइट। अब आता है इसमें बात आती है नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड्स क्या देखेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स, अगर मैं इसको देखूं इसमें कितने राउंड हो रहे हैं, देखो ये पहला राउंड है, फर्स्ट राउंड, ये सेकेंड राउंड, ये थर्ड राउंड, और इसके बाद जो ये बना रखा था मैंने फोर्थ राउंड, इसके अंदर भी देखेंगे फर्स्ट राउंड, मैं लिख देता हूं पेन से मैंने ये लिखा, ये आपका फर्स्ट राउंड है, ये सेकेंड राउंड है, ये आपका थर्ड राउंड है, ये फोर्थ राउंड है। इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर हमारा ये फर्स्ट राउंड था, ये सेकेंड राउंड था, ये थर्ड राउंड था, और इसके आगे ये जो आ रहा है ये हमारा फोर्थ राउंड था। अब ये राउंड क्वेश्चन को देखते ही मैंने बोला भाई टीम इतनी है तो राउंड कितने होंगे, जो नेक्स्ट पावर ऑफ टू, टू के ऊपर जो पावर लगी हुई है उतने ही राउंड होते हैं। अब नेक्स्ट पावर टू ये कितनी, 14 टीम थी, नेक्स्ट पावर क्या हो रहा है, नेक्स्ट पावर 16 ही है ना, 16 कितने की पावर में आ रहा है, 2 की पावर 4 में आ रहा है। ये जो 4 जो लिखा हुआ है मैंने, ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 उतने ही राउंड होंगे, उतने ही राउंड होंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरे से एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप पढ़ाते हो, बिल्कुल, ये फोन नंबर इसलिए लिखा हुआ 7983637880, जिसको हमारे संग जुड़ना है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप इजीली हमारे संग जुड़ जाएंगे आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि टीम को प्रेफरेंस किस आधार पर दी जाती है, बाई के आधार पर दी जाती है, ठीक है, बाई के आधार पर प्रेफरेंस दी जाती है टीम को कि वो अगला राउंड खेलेगी सीधे, राइट। आगे देखते हैं हम, अब यहां समझना है अगला, अब मैं एक एग्जांपल लेके और समझाता हूं आपको मैं, जिसमें कि एक एक चीज आ जाएगी उसके अंदर, यहां देखना है। मैंने क्या किया, 21 टीम का फिक्स्चर बना रहा हूं मैं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने स्टार्ट किया 21 टीम बना दी मैंने, मेरे को कहा भी 21 का 2 हाफ में फिक्स्चर बनाइए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको 2 हाफ में बनाऊंगा। कितनी टीम है, एन कितना है हमारे पास, एन इक्वल टू 21, 2 हाफ में, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ में कितनी टीम जाएगी, मैंने क्या कहा था, एन प्लस 1/2 किया जाएगा,
और ये n माइनस वन अपॉन टू किया जाएगा, 21 प्लस 1 अपॉन 2, 22 अपॉन 2 इक्वल टू 11, या n माइनस 21 माइनस 1 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10, मतलब अपर हाफ में 11 टीम आई, ऊपर के हाफ में कितनी टीम आई, 11। ये देखिए ये आ गया अपर हाफ, ये लोअर हाफ, पहला स्टेप, ठीक है। अब आगे देखना है आपको, 21 टीम है तो 22 कितनी होंगी, अब आता हम नंबर ऑफ 22, नंबर ऑफ 22 क्या बोलते हैं हम, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस एन, भाई नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा, 21 है तो मैं लिख देता हूं, देखो 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर 5 तो 32। आप देखेंगे 32, 21 है तो इसका मतलब ये ऐसे चलते गया, सबको धक्का मारते मारते मतलब यहां आके अड़ गया यहां 32। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 32 माइनस 21 इक्वल टू ये आ गया 11, ये नंबर ऑफ 22 आ गया 11। अब 22 नंबर ऑफ 22 11 आ गया, इसका मतलब ऊपर के हाफ में कितनी 22 दी जाएंगी और नीचे के हाफ में कितनी 22 दी जाएंगी, तो मैंने बोला 22 के अंदर नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ और नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ। अपर हाफ में क्या होगा, जितनी 22 आई है, ठीक है, नंबर ऑफ 22 माइनस 1 अपॉन 2 और इसमें नंबर ऑफ 22 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, इसमें कितनी 22 11 आई, तो 11 माइनस 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5, और यहां पर 11 प्लस 1 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। ऊपर में 5 बाई, यहां पर 5 बाई आएंगी और यहां पर आई हमारी 6। भाई ऐसा क्यों, यहां भी समझना है प्रूफ, देखिए ये कितनी टीम है, 11 है, 2 की पावर में लाने के लिए क्या होगा, इसमें कितनी टीम जोड़ेंगे, 5, तभी ये 5 आया, 11 प्लस 5 16, यहां कितनी है हमारे पास, अब देखेंगे यहां कितनी बची हमारे पास 10, 10 प्लस 6 16, क्योंकि क्या तो जो हाफ होता है वो अपने में एक फिक्सर बन जाता है, राइट। अब हमने बोला कि भाई सीडिंग, चार टीमों को सीडिंग देनी है, हमने कर दिया, इसको एक सीडिंग, इसको एक सीडिंग, इसको एक सीडिंग, इसको सीडिंग, ये फर्स्ट, ये सेकंड थी, फर्स्ट ये सेकंड नंबर की टीम थी, ये थर्ड नंबर की टीम और ये फोर्थ। अभी हम चार सीडिंग की ही बात करके चल रहे हैं, यहां पर अगर आप बोलते 8 टीमों को सीडिंग दी जाए तो वो फिक्सर 2 हाफ में नहीं बनेगा, याद रखना, ठीक है। एक और चीज है, जैसे 1 घंटा होगा लगभग तो हमारा वीडियो कट होगा, फिर दोबारा से जुड़ जाएंगे 10 मिनट के बाद हम, क्योंकि मैं आज नॉकआउट की जो मैराथन क्लास है वो खत्म करनी है, पर आज समझाना है, ये मेन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। तो अब हमारे पास 22 कितनी है, ऊपर वाले पे 5, अब देखिए 22 दे रहे हैं हम, ऊपर पे 22 है, नीचे पे 6, तो 22 फर्स्ट, ये देखो बी वन, 22 सेकेंड, नीचे से स्टार्ट किया हमने, 22 थर्ड, 22 फोर्थ, फिर 22 फाइव, 22 सिक्स, 22 सेवन, 22 एट, ठीक है, टोटल 22 कितने, 11 है, 22 एट, फिर आता है 22 नाइन, 22 टेन और ये 22 11। देखिए आप 6 बाई आ गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 5, ये 6। अब दिमाग में आ रहा होगा आपके, भाई ये 22 हम ऐसे ऐसे क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि 22 की वरीयता किसको दी जाती है, सीडेड टीम को दी जाती है, याद रखना सीडेड टीम को दी जाती है, ठीक है।
अभी मैं पूल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं दो हाफ में चल रहा हूं, समझते चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, सब कुछ समझा दूंगा मैं आपको। अब देखना यहां पर, तो ये आपने देखा, ये बाई दे दी हमने। अब हमने क्या किया, इसका फिक्सर स्टार्ट किया बनाना। यहां देखते हैं हम फर्स्ट राउंड, पहला राउंड ये देखिए, फर्स्ट राउंड में खाली कितने मैच हुए, पांच मैच हुए। अब यहां पर एक और चीज समझना है, इसको आप उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसको मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि आगे की इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, क्योंकि टिप्स देने हैं मेरे को आपको समझने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे चलते हम। ये देखेंगे आप, अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। नंबर वन कि भाई आपको n दे दिया गया, n कितने, 21 है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन 22 कितनी दी जाएंगी, 22 तो आपको फॉर्मूला बता दिया हमने, नेक्स्ट पावर ऑफ टू, ठीक है, क्या बताया हमने, नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस n, तो नेक्स्ट पावर टू क्या, 32 माइनस 21 इक्वल टू 11, एक क्वेश्चन यह है। नंबर दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, भाई अपर हाफ में पूछेगा या लोअर हाफ में पूछ लेगा, अपर हाफ में क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, 21 प्लस 1 अपॉन 2, 22 अपॉन 2 इक्वल टू 11, इसका भी आंसर आ गया 11। आगे चलते हैं हम, नंबर तीसरा, नंबर ऑफ बाईज इन लोअर हाफ, लोअर हाफ, अब देखिए मैंने लोअर हाफ पूछा है, तो लोअर हाफ में क्या होगा, प्लस वन होता है, नंबर ऑफ बाईज क्या होता है, नंबर ऑफ बाईज प्लस वन अपॉन टू, बाईज कितनी आई थी, 11, 11 प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू 12 बटे 2 इक्वल टू 6, ये देखेंगे 6 बाईज आ रखी है। नंबर चार, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 2 की पावर, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी है, मतलब 2 की पावर कितनी थी, 5 थी तभी 32 आया, तो ये जो 5 है ये इसका आंसर हो गया। नंबर राउंड्स क्या आएगा, 5 राउंड होंगे, अभी आप देखेंगे 5 राउंड बनेंगे इसके। देखिए फर्स्ट राउंड हो गया, अब आता सेकंड राउंड पे, हम ये सेकंड राउंड आ गया, अब आते हैं हम थर्ड राउंड पे। हमेशा ब्रैकेट ऊपर से बना जाएंगे, अब आते हैं हम फोर्थ राउंड पे, और अब आते हैं लास्ट हम फिफ्थ राउंड हमारा, ये देखिए 5 राउंड, राइट 5 राउंड हो गए। राइट, अब क्वेश्चन क्या आता है, हरियाणा के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था कि पहले राउंड में कितने मैच होंगे। आपने देखो पहले राउंड में कितने मैच हुए, 1, 2, 3, 4, 5 ही मैच हुए, 5 मैचेस हुए, पहले राउंड में कितने मैच होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है समझने की जरूरत है। यहां 4 हो गए, फिफ्थ पॉइंट मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में कितने मैच होंगे समझने की जरूरत है यहां पर। इसका फॉर्मूला सीधे सीधे क्या है, एन माइनस नंबर ऑफ बाईज अपॉन टू कर दीजिए, एन कितनी है, 21, 21 में नंबर ऑफ बाईज कितनी है, हमने कितनी थी नंबर बाईज, 11, 11 अपॉन टू, 21 माइनस 11, 10 अपॉन टू इक्वल टू 5, इक्वल टू क्या होगा, 5,
पांच, ये देखो पांच मैच हुए, ये पहला मैच फर्स्ट मैच आप यहां देखेंगे, ये फर्स्ट मैच हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये पांच मैच, नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड। खाली फर्स्ट राउंड के मैच हमें निकालने पड़ते हैं, बाकी के मैचेस फिक्स होते हैं। कैसे फिक्स होते हैं समझना है, मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आगे चलते हैं हम। देखिए अब यहां देखना है कितने राउंड हुए, यहां पर पांच राउंड हुए, यहां समझना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो फिफ्थ राउंड होता है वो कौन सा होता है, फाइनल राउंड होता है, फाइनल इसका, क्योंकि टीमें कितनी थी हमारे पास 21, ये फाइनल राउंड हुआ पांचवा। चौथा क्या होगा हमारा, सेमी फाइनल राउंड। तीसरा क्या होगा, क्वार्टर फाइनल राउंड। नंबर दूसरा क्या होगा, प्री क्वार्टर फाइनल राउंड। प्री क्वार्टर फाइनल राउंड, और ये फर्स्ट राउंड का आपने निकाल दिए मैचेस कितने पहले राउंड में, आप देखेंगे पहले राउंड के अंदर पांच मैच आपने फॉर्मूले का यूज करके निकाल दिए, फॉर्मूला लगा रखा है। नंबर ऑफ मैचेस की बात करें, फाइनल में कितने मैच होते हैं, एक मैच होगा, सेमीफाइनल में दो मैच होगा, क्वार्टर फाइनल में चार मैच होगा, और प्री क्वार्टर फाइनल में एट मैचेस होंगे, आठ मैच आप काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम पहला निकालते हैं, बाकी हम इधर से चलते हैं, इसमें एक मैच, दो मैच, चार मैच, आठ मैच, ठीक है। अब यहां भी देखना है कि भाई पहले राउंड में, पहले राउंड के अंदर कितनी टीम खेल रही है, ये तो मैचेस हो गए, ये क्या है हमारे मैचेस लिखे हमने, है ना, एक मैच होगा तो कितनी टीम खेलेंगी, दो मैच खेलेगी, दो टीम खेलेगी, तो ये तो हमने मैचेस कर दिया, मैं लिख दे रहा हूं मैं इसको, ये तो क्या था हमारे मैचेस, एम इक्वल टू, एम इक्वल टू, एम इक्वल टू, यहां भी एम इक्वल टू, ये भी हमारा एम इक्वल टू, खाली पहले के लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है, बाकी सेट है एकदम। अब आता है इसमें भी नंबर ऑफ टीम्स, भाई टीम्स कितनी होगी, एक मैच है तो दो ही, तो दो टीम के बीच में तो फाइनल होता है, सेमीफाइनल कितने के बीच में होता है, चार के बीच में, क्वार्टर फाइनल कितनी होगी हमारी पास, आठ के बीच में, प्री क्वार्टर फाइनल कितना होगा हमारा, सोलह टीमों के बीच में होगा। तो जितने मैच उसके जस्ट डबल कर दिया आपने, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ राइट। मैंने कहा कि मेरी मैराथन क्लासेस के अंदर ऐसे ही चलेगा, पूरे एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा मैं, ऐसा क्यों होता है सब कुछ बता दिया, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है, हर टॉपिक पे गहन अध्ययन किया, तभी तो पढ़ा रहे हैं हम आपके आपके सामने, ठीक है, तभी तो वो बुक लिख दी हमने, ठीक है, इसलिए वो बुक आई। और मैंने बताया ना कि अभी जो नई बुक आ रही है, जमीन आसमान का अंतर है, थोड़ा देर टाइम लग रहा है, क्योंकि पता पड़ा उसमें गलतियां आई तो आप ही बोलोगे यार क्या सर ने किताब निकाली उसमें गलतियां हैं, वो चीज को एरेडिकेट कर रहे हैं हम कि गलती ना हो जाए, बच्चा एक बार BPES में एडमिशन ले ले और वो किताब ले ले तो वो बच्चा नेट के एग्जाम तक उसी किताब से पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि समग्र अध्ययन करके हमने कहा है, जो सब्जेक्ट छूटे बायो मैकेनिक्स डाल दिया उसके अंदर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डाल दिया हमने, साइकोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को अच्छा कर दिया उसके अंदर, रिसर्च डाल दिया उसके अंदर हमने, ठीक है ना, जितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं, रिक्रिएशन को बहुत अच्छा कर दिया हमने उसके अंदर, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आप, ये आपको समझ में आ गया, सीडिंग किसे कहते हैं, मैंने अभी सुपर सीडिंग की बात बिल्कुल भी नहीं करी है, मैंने सिर्फ सीडिंग की बात करी, 22 की बात करी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं मैं।
फिर से बता रहा हूं मैं, जो हमारे संग जुड़ना चाहते हैं यू कैन डू अ व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करना है, सिर्फ फोन नहीं करना है आपको, ठीक है, फोन कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सएप कीजिए आपको जवाब मिलता चले जाएगा, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर हम अगला 5 मिनट और 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उसके बाद फिर हम कम से 15 मिनट का गैप करके फिर आएंगे हम, ठीक है, 15 से 20 मिनट का आप भी अपना खाना खा लेना, उसके बाद फिर आ जाना, 20 मिनट का गैप करेंगे हम, ठीक है, ओके, ठीक है, आधे घंटे का वेट हुआ, हाफ एन आवर का, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू चलेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के, बाकी जो टूर्नामेंट बचे उनको समझाऊंगा मैं। यह देख रहे हैं आप, यहां देखेंगे आप, सीधे क्वेश्चन देता हूं मैं, मैंने कहा n इक्वल टू 31, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टीमों की संख्या 31 है, 31 है, तो पहला 22 कितनी होंगी, दूसरा नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कितनी होंगी, तीसरा नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ कितनी होंगी, चौथा नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड कितना होगा, पांचवा नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, छठा क्वार्टर फाइनल राउंड में, क्वार्टर फाइनल राउंड में नंबर ऑफ टीम्स, क्वार्टर फाइनल राउंड के अंदर क्या है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी होंगी, ठीक है, सातवां थर्ड सीडिंग, थर्ड सीडेड टीम कौन सी होगी, कौन से नंबर पे आएगी। अब ये क्वेश्चन है, आपको सीधे इससे जवाब देना है। पहला देखेंगे 22 कितनी आएंगी, 31 है, तो नेक्स्ट पावर 2 कितना होगा, 32 माइनस 31 इक्वल टू 1, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, अपर हाफ का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा, 31 प्लस 1 अपॉन 2, 32 प्लस अपॉन 2 इक्वल टू 16 टीम होंगी ऊपर के हाफ में। नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, अपर हाफ में कितनी बाइज होंगी, अपर हाफ की बाई की कितना फॉर्मूला है, क्योंकि हमारी संख्या क्या है, विषम है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ बाइज माइनस 1 अपॉन 2, भाई एक ही टीम है, माइनस 1 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0, किसी को बाई नहीं मिलेगी अपर हाफ में, किसी को बाई नहीं मिलेगी। अगला नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में कितने मैच होंगे, तो मैंने क्या बताया, n माइनस नंबर ऑफ बाइज अपॉन 2, भाई n कितनी है हमारे पास, 31 टीम है, माइनस बाई कितनी आई, 1 अपॉन 2, 30 अपॉन 2, 15 मैचेस होंगे, 15 मैचेस होंगे, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर नंबर ऑफ राउंड्स कितना होंगे, 2 की पावर 5 होने पे ही 32 आया, तो 5 कितना होगा, 5 राउंड होंगे, 5 आंसर इसका। क्वार्टर फाइनल राउंड में नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, क्वार्टर का मतलब कितनी टीम खेलेंगी, फाइनल में 2 टीम, सेमीफाइनल में 4, क्वार्टर फाइनल में 8 टीम, 8 टीम्स, नंबर ऑफ टीम कितना होगा ये 8। लास्ट क्वेश्चन, थर्ड सीडेड टीम कहां आएगी, जब आप 31 टीम बना रखी है आपने, तो थर्ड सीडेड कहां आएगी, 31 के अंदर अपर हाफ में कितनी टीम जाएंगी, सोचने की बात है, 16 टीम ऊपर होंगी, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं यहां पर, 16 टीम ऊपर रहेंगी और 15 टीम नीचे रहेगी, तभी तो 31 हो रहा है। अब हमने थर्ड सीडेड टीम बोली है, तो हमारी देखेंगे फर्स्ट सीडेड कौन सी होगी, 31 पे, ये फर्स्ट है,
और सबसे ऊपर वाली नंबर वन को हमने क्या किया, सेकंड सीडेड, और हमारी ठीक है 31 पे आ गया ये नंबर वन। अब यहां पर क्या होगा, ये 17th नंबर टीम, 17 पे थर्ड सीडेड टीम होगी, और ये 16 के ऊपर हमारी फोर्थ सीडेड टीम होगी। तो हमको क्या क्वेश्चन पूछा, थर्ड सीडेड टीम कौन सी होगी, 17th नंबर की टीम होगी, कौन सी, 17th नंबर टीम। सत्रह नंबर की टीम को हम थर्ड सीडिंग देंगे, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ, लाइक बनता है सबको, जो नए बंदे जुड़े हुए हैं सब लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जिस दिन मैं लाइव आऊंगा तो आपको सबको मैसेज मिल जाएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अभी टाइम हमारे पास देख रहा हूं मैं 9:30 हो रहा है, हम लोग दोबारा से 10:10 पे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को, इसी तरीके से जुड़े रहें आप, ठीक है। हमने देखा, और YouTube पे ये वीडियो पड़ी रहेगी, देखने की जरूरत है। लाइक बनता है सभी को, लाइक करने की जरूरत है, ठीक है ना, लाइक करने की जरूरत है। और मैंने कहा कि जो हमारे संग जुड़ना चाहता है, थैंक यू सर, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। और यू कैन डू ए व्हाट्सएप मैसेज, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा कैसे हमारे संग जुड़ेंगे, क्योंकि हम लाइव तो बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है ना, बट ऐप के ऊपर पूरी वीडियोज आती हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, इस तरह जुड़े रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।